बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से बहुत ही बम्पर बहाली निकल कर आ गई है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल पद बात करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कुल पद आपको 15,610 पदों पे पंचायती राज विभाग की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अलग अलग पद पे भर्ती आपको निकाली गई, जिसमें परिचारी, सहायक, क्लर्क, लेखपाल और सचिव अन्य पदों पर भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो कैसे करना है आवेदन दोस्तों, इस वीडियो में बताऊँगा क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। इस वीडियो में सारी चीज़ आपको मैं जानकारी दूंगा, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर रिकटिंग के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर रिकटिंग में आपको क्या बताया गया है कि बिहार पंचायती राज यहाँ पे देख सकते हैं 15,610 पदों पे होगी बहाली। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मतलब बिहार में बहुत ही मतलब अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग पद पर आपको वैकेंसी निकाली जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 10 लाख नौकरी देने की घोषणा की है, पूरा करने की यहाँ पर पंचायती राज विभाग ने तत्परता दिखाई है, जिसमें आपको जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाली जाएगी। और इसमें बताया गया कि पंचायती राज विभाग के विभिन्न स्तर के रिक्त पद पर यहाँ पे 15,610 पदों पर इस वित्तीय वर्ष मतलब इसी वर्ष के नियुक्ति करने की तैयारी ली गई है। और यहाँ पे बताया गया कि पंचायती राज विभाग के केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि विभाग को जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यहाँ पर फिर बताया गया दोस्तों कि उन्होंने बताया कि 4,351 पदों पर यहाँ पे अस्थाई रिक्त मतलब नियुक्ति की जा रही है, जिसमें आपको 11,259 पदों पर संविदा मतलब यहाँ पे आपको नियुक्ति की जाएगी, मतलब आपको 4,351 पदों पे आपको वैकेंसी लिया जा रहा है, जिसमें आपको 11,259 पदों पे आपको फिर से लिया जाएगा। फिर यहाँ पे बताया गया कि पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद यहाँ पर गुप्ता शुक्रवार को वित्तीय विभागीय कार्यों को जानकारी प्रेस के मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें बताया कि साझा कर रहे थे कि उन्होंने बताया कि जिस अस्थायी पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, उन्हें पंचायती राज अधिकारी 112 पद मतलब इसका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया आकांक्षक यहाँ पे 28 पद है और पंचायत सचिव के लिए यहाँ पे 3,525 पद यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपि की स्थापना के यहाँ पे देख सकते हैं बात किया गया है कि 504 पद होने वाला है। उसके बाद निम्न यहाँ पे वर्गीय लिपिक मुख्यालय स्थापना जो होता है उसके लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक पद यहाँ पे कार्यालय विभाग द्वारा यहाँ पे आपको रखा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे देख सकते हैं कि बोला गया है कि परिचारी के यहाँ पे 5 पद है, जिसमें जिला परिषद यहाँ पे कनीय अभियंता के 104 पद और जिला परिषद के यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक 72 पद यहाँ पे शामिल है, जिसमें 11,261 संविदाता आधारित पर यहाँ पे पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें लेखपाल भी यहाँ पे आपको आईटीआई के साथ आपको यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। सहायता 7,070 यहाँ पे पद, तकनीकी सहायक अलग अलग पदों पे दोस्तों यहाँ पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी इसमें दिया गया है, जिसमें आपको सारी चीज़ आपको यहाँ पे देख सकते हैं बता दिया गया है, साफ साफ लिख दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और आकांक्षक यहाँ पे नियुक्ति बीपीएससी जो मतलब पंचायती सचिव निम्न वर्गीय लिपि के कार्यकाल परिचारी नियुक्ति बिहार कर्मचारी यहाँ पे चयन मतलब आयोग करेगा, मतलब यहाँ पे जो मतलब बीपीएससी के लोग होंगे यहाँ पे मतलब आपको साफ साफ बता दिया गया कि बिहार के कर्मचारी आयोग के माध्यम से वैकेंसी कराया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रम विभाग के भी मतलब 4,000 होगी नियुक्ति, मतलब ये भी आपको देख सकते हैं श्रम विभाग में भी मतलब यहाँ पे 4,000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है, जिसमें पटना देख सकते हैं कि आपको बताया गया कि राज्य के श्रम मंत्री यहाँ पे संतोष कुमार सिंह ने कहा कि उनके विभाग के 4,000 के अधिक पदों पर सुजृत यहाँ पे किया गया, जिसमें इन पदों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नौकरी का जो वादा किया गया है यहाँ पे आपको मतलब फटाफट वैकेंसी यहाँ पे निकाली जा रही है। तो चलिए आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएँ और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।